जिला मंडी सदर ब्लॉक कांग्रेस की नवगठित कार्यकारिणी में ओम प्रकाश को सदर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया है, जिसके चलते प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का धन्यवाद व्यक्त किया और आश्वासन दिलाया है कि पार्टी के लिए ईमानदारी से कार्य करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ कार्यकर्ता गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं और इसको नियंत्रित करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ना आप वैश्विक मुठ कोई है भी है तो उनको तो बोलने का भी अधिकार नहीं है पार्टी के प्रति, क्योंकि आपके माध्यम से आपको पता है कि उन्होंने रिजाइन किया कांग्रेस पार्टी से। वो जो हमारे ऊपर लांछन लगा रहे हैं वो गलत है। जो उन्होंने एक अपना कांग्रेस पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया 2017 में, तो उन्होंने अपना मनपसंद ब्लॉक अध्यक्ष बनाया। जब कांग्रेस को जरूरत थी 2019 में लोकसभा चुनाव क्षेत्र में, तो रातों रात मुख्यमंत्री से जो मिल के दूसरे दिन वो भाजपा में चले गया। तो अब हम उनको ठीक क्यों नहीं लग रहे हैं तो इसके बारे में नहीं ज़्यादा बोल सकता। उनको कौन ठीक लग रहा है तो वो जाने। कांग्रेस पार्टी जो हाईकमान जिसको भी जिम्मेदारी देंगे वो सबको मानना पड़ेगी, तभी कांग्रेस मजबूत भी होगी और कांग्रेस के जो है सारे कार्यकर्ता इकट्ठा होकर चलेंगे। जी पित्र हूँ एक्स प्रधान, आज मुझे 26 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी में कुलदीप राठौर जी ने मंडी सदर के लिए ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मैं उसके लिए राठौर जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, राजा वीरभद्र जी का, राजीव शुक्ला जी का और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम जी का, आश्रय शर्मा जी का, प्रकाश चौधरी जी का, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और मुझे इसमें मंडी सदर को जो जिम्मेदारी दी उसके ऊपर मैं काम करूँ, सबको साथ के लेकर चलूँगा। जितने भी हमारे कौन कांग्रेस कार्यकर्ता है मैं और जो भी कोई दोस्त है सबको इकट्ठा लेकर चलने की कोशिश करूँगा।